ट्रांसफर ऑफ हीट की शीट में पहला क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार इज गिवन, और रेडिएशन इंटेंसिटी फॉर द स्टार इज व्हाट, आपको निकालना है। तो आपको क्या कह रहा है वो, आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा एम की वैल्यू दे रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है, रेडिएशन इंटेंसिटी बताओ। भाई ये क्या क्या वर्ड यूज कर रहा है, रेडिएशन इंटेंसिटी हमने कब यूज की? तो हमने एमिसिव पावर की थी। एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको एमिसिव पावर बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं। और तीसरा नाम इसका ल्यूमिनोसिटी है, ल्यूमिनोसिटी भी ये है क्योंकि ल्यूमिनोसिटी का मतलब लाइट की फॉर्म में एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एमिसिव पावर का मतलब ये होता है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। बहुत नाम है एक चीज के, तो लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में, कंफ्यूजन नहीं होगी। लिख लो कि जब हम लिखते हैं एनर्जी, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या है, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, या फिर इसका नंबर दूसरा नाम क्या है, इंटेंसिटी, और कभी कभी लाइट की फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनोसिटी। एक ही बात है, डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन सेम है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, लैम्डा एम आपको पता है, नैनोमीटर में, मीटर में कर लेना। मुझे इतना पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, जब एनर्जी मैक्सिमम निकलती है तो उस टाइम लैम्डा को लैम्डा एम बोलते हैं, और लैम्डा एम इनटू टी इज अ कांस्टेंट, हमने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में किया था, तो एटलीस्ट मैं बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। तो लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, टी की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर आ गया, आपको ई निकालना है, ई का मतलब इंटेंसिटी निकालनी है, तो सिग्मा इनटू टी की पावर 4, टेम्परेचर वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ देगा, सिग्मा आपको पता है, तो आपको इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम पड़ेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगा रहे हैं। वैसे ये हमने सॉल्व एग्जांपल भी किया था अपनी बुकलेट के अंदर। मेथड समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर से कैसे ई की वैल्यू आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। भाई जो हम करके आए हैं चैप्टर का नाम ही रेडिएशन है, कितनी एनर्जी बार फेंकी जा रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया रेडिएशन है। तो रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी at 0 degree Celsius is E, तो rate of radiation of this body at 273 क्या है, तो rate of radiation होता है क्या, E, तो कितनी energy emit हो रही है per second per unit area, E, और वो किसके proportional है, temperature is to power 4 के proportional है, तो E2 proportional to T2 4, E1 proportional to T1 is to power 4, आपको इसमें temperature T1 पता है कितना, 0 degree Celsius Kelvin में convert करना, second temperature 273 Kelvin में convert करना, या से ratio आ जाएगी E2 और E की। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, फॉर्मूला एप्लीकेबल क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन को एक बार देखें, थर्ड, टू सर्कुलर डिस्क ए एंड बी विद इक्वल रेडियाई, एरिया यानी कि बराबर है, और आपको इसमें क्या निकालना है, दे आर ब्लैक एंड ब्लैक बॉडी है, दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर टी, दोनों का सेम है, एंड आर कूल्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ठंडी होने के लिए उसको छोड़ दिया गया। What inference do you draw from their cooling curves as shown below? तो ये cooling curve है और ये temperature difference है body का और surrounding का, और R का मतलब मैंने लिखवाया था आपको, क्या होता है, rate of cooling, याद है rate of cooling, और मैंने आपको formula booklet में लिखवाया था, specific heat के साथ question आता है, rate of cooling is inversely proportional to body की specific heat, तो जितनी बड़ी specific heat होगी rate of cooling उतना ही कम होगा, तो क्योंकि इसकी rate of cooling high है, बड़ी है, तो रेट ऑफ कूलिंग अगर बढ़ा है तो स्पेसिफिक हीट क्या है, इसकी कम है, तो सही है ना कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज लेस, आंसर। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ कूलिंग को देखते हुए स्पेसिफिक हीट का क्या रिलेशन है, तो रिजल्ट क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, फॉर्मूला रजिस्टर में चेक करो, ये लिखा हुआ है आप लोगों ने। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, तो अगर मान लो पहले टेम्परेचर T1 था, अब 50% बढ़ गया,
150 पे बढ़ेगा, 150% हो गया, तो T2 की वैल्यू कितनी है, 150 बाय 100 इनटू T1, देन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडिएशन इज अप्रोक्सीमेटली। अब ये इंक्रीज ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, एमिसिव पावर। जब वो बोलेगा ना रेडिएशन निकल गई, एमिसिव पावर एनर्जी एमिट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इसका परसेंटेज में क्या चेंज हो गया, तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज टू पावर 4। तो जब E1 था तो T1 है, E2 है तो T2 है, T2 T1 की रेशियो यहाँ से 3/2 पता है आपको, तो E2 by E1 आ गया। क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एमिसिव पावर, तो E2 माइनस E1 by E1 निकालना है, E2 by E1 की वैल्यू 81/16 पुट करके आंसर। मेथड समझ में आया कि कैसे परसेंटेज आएगा इंक्रीज, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, याद है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सुना हुआ है, तो हमने फॉर्मूला भी किया था। तो क्या क्वेश्चन है, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50 इन 5 मिनट, तो 80 से 50 होगी 5 मिनट में, के और एवरेज टेम्परेचर क्या है, 80 + 50/2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 20, ऐसे ही किया था। फिर आपको ये बताना है कितनी देर में बॉडी 60 से 30 आएगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 60 - 30, टाइम कितना है टी, एवरेज टेम्परेचर सराउंडिंग का, डिवाइड करो आंसर। तो मैंने करवाया भी था बुकलेट के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ऑब्जेक्टिव शीट का यही मतलब जो पर्पज़ है, एटलीस्ट आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव करके करते हुए आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी न्यू एम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम मे वेरी विद टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडी एज शोन विच ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंट करेक्ट वेरिएशन। तो मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी हमने ये तो सुना है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में सुना हुआ है कि जब एनर्जी मैक्सिमम उसको लैम्डा एम बोलते हैं, तो लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये किया हुआ है उसने लैम्डा एम की जगह फ्रीक्वेंसी एम का क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको पता है लैम्डा एम जो लैम्डा होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि इसकी जगह ऐसे लिख लें फ्रीक्वेंसी मैक्स की बात है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो अगर लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो ग्राफ क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी का और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, व्हेन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का रिजल्ट है लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। नेक्स्ट है 7th, तो 7th के अंदर क्या क्वेश्चन गिवन है, अ ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेंपरेचर गिवन है, एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ ऑफ गिवन, लैम्डा एम गिवन है और टेंपरेचर भी गिवन है, क्या निकालना है, टेम्परेचर मून का बताओ जब लैम्डा एम इतना है, तो क्या लगेगा, लैम्डा एम इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का हमने किया था ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो जब लैम्डा एम है टेम्परेचर T1 है, लैम्डा एम 2 है तो टेम्परेचर T2 है। आपको पहली वेवलेंथ पता है 1.78 माइक्रोन है और दूसरा 14 माइक्रोन है, T2 और T1 का रिलेशन आ गया, रेशियो आ गया, आपको पहला टेम्परेचर भी पता है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना तो टेम्परेचर केल्विन में आएगा, लेकिन आंसर डिग्री सेल्सियस में है, जो भी आंसर आएगा उसमें से 273 माइनस कर लेना, आंसर डिग्री सेल्सियस में निकालना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर मेथड समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट अप्लाई करना है, ठीक है यहाँ तक। तो जब भी वेवलेंथ और टेम्परेचर का क्वेश्चन आएगा ना, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट ही लगेगा, ठीक। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन ने है, ये मैंने नहीं करवाया, ये पहली बार करेंगे, पर ये आया हुआ है नीट और मेंस में।
देखो क्वेश्चन है, चलो पहले 8 थी कर लेते हैं। अ प्लैनेट इज एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सन, सन से इस प्लैनेट की दूरी डी है, आगे एंड एवरेज टेम्परेचर टी है, तो प्लैनेट का टेम्परेचर एवरेज कितना है, वो टी है। क्यों है? क्योंकि सन से एनर्जी लेके इसने अपना टेम्परेचर को टी रखा हुआ है मेंटेन। अब एज्यूम दैट प्लैनेट रिसीव्स एनर्जी ओनली फ्रॉम द सन, सिर्फ सन से ही एनर्जी मिल रही है, किसी और स्टार से एनर्जी मिल नहीं रही इसे, एंड लूजेज एनर्जी ओनली फ्रॉम द सन एंड लूजेज एनर्जी ओनली थ्रू रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस। दो बार हो गया इसमें, मतलब सन से एनर्जी मिल रही है प्लैनेट को और बॉडी का टेम्परेचर टी हो गया, रेडिएशन से एनर्जी बाहर फेंक रहा है प्लैनेट, इधर से ले रहा है उधर से फेंक रहा है। कि प्रीवॉस की थ्योरी ये तो बोलती थी कोई भी बॉडी दुनिया में ले भी रही है एनर्जी और दे भी रही है, तो वैसे ही है। तो प्लैनेट से सन से एनर्जी आ रही है और रेडिएशन की फॉर्म में जा रही है, रेडिएशन की फॉर्म में कितनी एनर्जी जा रही है, अगर प्लैनेट का टेम्परेचर टी है तो कितनी एनर्जी जाएगी, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 चली जाएगी, आएगी कितनी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और क्योंकि प्लैनेट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी जा रही है, तभी प्लैनेट एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है, लॉजिक इसमें ये है। तो छोड़ने की एनर्जी कितनी है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4, आने की एनर्जी कितनी है निकालते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में अगर टेम्परेचर प्लैनेट का डी रेस टू पावर माइनस एन, तो एन की पावर बताओ क्या होगी, सब कुछ प्रोपोर्शनलिटी में है, तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लेना पड़ेगा। कैसे? सन एनर्जी को बाहर फेंक रहा है कितने एरिया में, 4π d² ऑब्वियसली सन तो हर तरफ फेंकेगा 4π d² में, तो 4π d² में एनर्जी जो बाहर फेंकी जा रही है वो पी है, मतलब इट्स अ कॉन्स्टेंट पावर ऑफ अ सन, तो पी इज द पावर ऑफ द सन, तो सन के पास पी पावर है। पावर क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड। तो सन कितनी एनर्जी बाहर फेंक रहा है पर सेकेंड, पी कितने एरिया में फेंक रहा है, इतने एरिया में फेंक रहा है और पी एनर्जी फेंक रहा है, ठीक हो गया, पर यूनिट एरिया में इतनी फेंक रहा है। हमारा प्लैनेट का एरिया कितना है, 4π R², तो 4π R² से एनर्जी कितनी रिसीव हो रही है, इतनी रिसीव हो रही है। ये एनर्जी R का मतलब इमेजिन किया, R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, गिवन नहीं था, मैंने इमेजिन कर लिया, मैं एलिमिनेट कर दूंगा, चेंज तो होने वाला है नहीं, इट्स अ कांस्टेंट। तो इतनी एनर्जी सन से प्लैनेट ने ले ली, अपने एरिया की प्रोपोर्शनैलिटी में ले ली, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतनी एनर्जी ले ली, ये एनर्जी ले ली और ये एनर्जी वो छोड़ेगा बाहर, क्योंकि ये इसके यूनिट्स क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, ये कोई ये इसके यूनिट्स क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पावर, और सिग्मा इंटू टी की पावर के 4 के एनर्जी यूनिट्स क्या होते हैं, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको प्लैनेट के एरिया से मल्टीप्लाई करो तो इतनी एनर्जी बाहर फेंकी जा रही है पर सेकेंड। तो इतनी एनर्जी पर सेकेंड आ रही है, इतनी एनर्जी पर सेकेंड जा रही है, इक्वेट कर दो, इक्वेट करके टी की पावर 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रेस टू पावर 2, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। फोर्थ रूट लिया तो डी की पावर 1/2, ये ऊपर गया डी की पावर माइनस 1/2, तो डी की पावर माइनस 1/2, तो एन क्या आएगा 1/2। तो एक नया क्वेश्चन है जिसमें एनर्जी कितनी आ रही है वो निकाल ली, कितनी जा रही है वो निकाल ली, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ये रहा, ये कर लिया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन,
हाँ जी, समझ में आया ये क्वेश्चन? कितने को समझ में आया? ऐसे ना करो, इतना इतना आधा तो क्या हुआ, थोड़ा क्या रह गया, हो गया। देखो देखो, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया गिवन, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 127 है और वो बाहर फेंक रहे हैं एनर्जी ई पर सेकेंड। ध्यान से, ई का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नहीं है, एनर्जी पर सेकेंड है बस, एरिया नहीं है इसमें, पावर है बेसिकली, है सिंबल ई है पर नाम इसका एनर्जी पर सेकेंड है, जान के कंफ्यूज करने के लिए। आगे, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सरफेस को हाफ कर देते हैं और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ एमिशन क्या होगा? ई बताओ क्या होगा, रेट ऑफ एमिशन मतलब एनर्जी कितनी एमिट करेंगे पर सेकेंड, ये बताओ। तो ये तो पता है कि एनर्जी सिग्मा इंटू टी की पावर 4 लगेगा, सिग्मा तो कॉन्स्टेंट ही है, पर क्योंकि यहाँ पर ई का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नहीं है, एनर्जी पर सेकेंड है, तो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से तो क्या बन जाएगा? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। इट समझ में आया स्टेप? एरिया राइट पे चला गया इसमें से, नहीं तो एनर्जी पर सेकेंड बच गया, सिग्मा चाहिए नहीं अपने को। बॉडी टू बॉडी वन के लिए डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर ना एरिया अफेक्ट हो रहा है, एरिया में डायमेंशन को हाफ कर रहा है, वो लेंथ एंड ब्रेथ को हाफ कर रहा है। तो टेम्परेचर इनिशियल फाइनल दोनों गिवन है केल्विन में, एरिया की वैल्यू ए टू ए वन की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग जाएगी क्योंकि पहले एरिया आपको पता है ये रहा, फिर आपने हाफ हाफ कर दिया तो एरिया नया आएगा, ए टू पुट करके आंसर आएगा। तो सारी गेम इसमें ये है कि एरिया को कैसे हैंडल करोगे, ये क्वेश्चन है। तो आइडिया समझ में आया कैसे करना है, एरिया को लेके कैसे हैंडल करना है इसमें? जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेनर विच इज केप्ट इन अ रूम हुज टेम्परेचर इज 20। लिक्विड को एक रूम के अंदर रख दिया, रूम का टेम्परेचर 20 है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड 80 है, 80 है, तो हीट 80 में से 20 में से जाएगी थ्रू रेडिएशंस, जाती रहेगी, सेक जाता रहेगा 80 से 20 तक। फिर वो कह रहे हैं कि और एनर्जी जो बाहर जा रही है वो 45 कैलोरी जा रही है एक सेकेंड में। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स टू 40 तो बताओ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा? तो जब इसका टेम्परेचर 80 है, 80 से 20 में जाना है हीट को, जब टेम्परेचर इसका 40 है, 40 से 20 में जाना है हीट को, जाएगी तो सराउंडिंग में ना, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की पहली डेफिनेशन कहती थी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितनी हीट डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू का मतलब कितनी हीट लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम, जो कि यहाँ पर कितना है 45 कैलोरी पर सेकेंड। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर में बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो देखो ये डेफिनेशन से काम बन जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग को आर लिखते हैं, वैसे आर का मतलब यहाँ पर क्या है डी क्यू बाई डी टी, आर का मतलब होता है कितनी हीट लॉस हो रही है पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी।
तो पहले केस में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर। दूसरे केस में रेट ऑफ लॉस क्या है, बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। पहले केस में रेट ऑफ लॉस आपको गिवन है 45 कैलोरी पर सेकेंड, दूसरे केस में आपको निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी से आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि कैसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट। ये ओनली फॉर नॉन मेडिकल, ओनली फॉर नॉन मेडिकल। मेडिकल में मुश्किल है, कर लो, प्रॉब्लम नहीं है कोई, मेडिकल वाले भी कर लो, क्या करोगे 2 मिनट बैठ के, पढ़ ही लो, शायद को नया मेथड ही माइंड में आ जाए। तो क्या क्वेश्चन है इसमें? द रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम टू पैचेज ऑफ स्किन ईच ऑफ एरिया ए ऑन अ पेशेंट चेस्ट डिफर बाय 2%। तो स्किन के दो पोर्शन है, बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो उसमें से सेक निकल रहा है, तो एक पोर्शन में से सेक निकल रहा है और दूसरे में रेडिएशन, सेक मीन्स रेडिएशन निकल रही है, और परसेंटेज रेडिएशन का फर्क कितना है, 2% है। तो बॉडी के एक पार्ट में से रेडिएशन अगर E1 निकलती है, दूसरे में से E2 निकलती है, तो कितना चेंज निकलता है, E2 - E1, और फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, E2 - E1 / E1, ये आपको 2% के वन है, ये आपको 2% के वन है। तो एक पैच में से E1, एक में से E2, तो फ्रैक्शनल चेंज आपको के वन है या परसेंटेज चेंज आपको के वन है। इफ पैच ऑफ द लोअर टेम्परेचर 300 केल्विन पे है, इमिसिविटी चलो दोनों की यूनिटी है, यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर दूसरे पैच का क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब पॉइंट ये है इसमें, कायदे से बनता तो ये है कि एक पैच का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का T2 है, तो बनता तो ये है कि आप इसमें सिंपल ये काम करें, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 raised to power 4, और ऐसी E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 raised to power 4, और दोनों को डिवाइड कर लें, तो E1 / E2 की क्या आ जाएगी आपके पास, रेशियो आ जाएगी। ठीक है, रेशियो आ गई। फिर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, E2 - E1 / E1 × 100, ये आपको गिवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये 2% गिवन है, तो यहाँ से E2 / E1 - 1 इज 0.2 कर लेंगे, 100 इधर चला गया, यहाँ से E1 / E2 की रेशियो यहाँ पुट करेंगे, और फिर T1 की वैल्यू आपको पता है, T2 निकाल लेंगे, राइट, T2 निकलेगा, फिर उसके बाद T2 आ गया, और आपको यही निकालना है T2 की वैल्यू क्या होगी। कायदे से ये बनता है, सही है, ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रॉब्लम बस एक है, कैलकुलेशन बहुत हैवी है, क्योंकि ये चीज़ है 0.2, जब आप टेम्परेचर पुट करेंगे फोर्थ रूट ऑफ 0.2, ना सॉल्व कौन करेगा फोर्थ रूट ऑफ 0.2, पॉइंट है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्वेश्चन तो सही है, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो मैं इसमें लिख के दिखाता हूँ आपको, वो ये कह रहा है कि एक ए पैच है, ठीक है, आपको इसमें वो कह रहा है कि इसमें एक ए पैच है और इसमें एक बी पैच है, ये लो बी पैच है, इसका टेम्परेचर तो आपको दे ही रहा है ना वो 300 केल्विन, और इसका टेम्परेचर वो आपसे पूछ रहे हैं, और आपको दे रहा है कि इसमें से एनर्जी E1 निकल रही है, इसमें से E2 निकल रही है, तो हायर टेम्परेचर
ऐसे, ये वैल्यू आपको 2% दे रहा है, जो वैल्यू है आपको 2% दे रहा है, राइट? ये गिवन है, आपको इसमें T2 निकालना है। तो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि E1 proportional to T14, E2 proportional to T24, तो यहाँ से E2 by E1 is T2 by T1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से E2 divided by E1 minus 1 divide कर लिया is 2 by 100 हो जाएगा। तो यहाँ से E2 by E1 की ratio यहाँ पे put कर लें तो आपके पास क्या आएगा, T24 by T14 माइनस वन इज इक्वल टू 2/100। आपको टेम्परेचर T1 पता है 300, आपको T2 निकालने आंसर निकाल लेना, ये बिल्कुल करेक्ट है और सही आंसर रहेगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है? ठीक, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फोर्थ रूट भी है, पॉइंट टू भी है, पॉइंट टू का भी आगे, पॉइंट जीरो टू है रादर, पॉइंट जीरो टू का भी आगे आगे चलेगा, तो मुश्किल है। मैथ वालों के पास एक बड़ा छोटा तरीका है, एक सेकंड में आंसर निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल। तो ये मेडिकल वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मेडिकल वाले ये फॉलो करें, इट्स ओके, छोटी कैलकुलेशन आएगी हो ही जाएगा उसमें सॉल्व, कोई भी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसमें मैंने किया वो ये किया, E1 सिग्मा T4 है, E2 सिग्मा T2 लेने की बजाय T+Δt ले लिया, क्योंकि 2% का चेंज है तो इसका टेम्परेचर कोई बहुत चेंज थोड़े ना होने वाला है, इसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है क्योंकि एनर्जी में तो 2% चेंज है ना, कोई 20-25% चेंज तो है नहीं कि T2 ले, थोड़ा सा चेंज है, तो मैंने Δt ले लिया। तो यहाँ से इन्हें E2 माइनस E1 बाई E1 में E2 की वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, यहाँ से कैपिटल टी कॉमन निकाल लिया, कैपिटल टी रेज टू पावर 4, ये 1 हो गया और ये Δt/t हो गया। बाइनोमियल लगाई क्योंकि फ्रैक्शन छोटा है, मैथ में लोग जानते हैं, 1 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। इसके अंदर ये फ्रैक्शन तो 2% गिवन ही है, टेम्परेचर पहला पता है 300 है, यहाँ से Δt आ गया, Δt आ गया, तो पहले का टेम्परेचर अगर 300 है तो दूसरे का 300 प्लस 1.5 301.5 है। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ये मैथ का स्टूडेंट ही समझ पाएगा, मेडिकल नहीं समझ पाएगा कि हुआ क्या एक्चुअल में, क्योंकि बाइनोमियल अप्लाई वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो रूटीन में यूज नहीं करता उसे। तो इसलिए मेडिकल वाले उसी मेथड को फॉलो करें, कोई नए क्वेश्चन में ऐसा ही तो कोई एक 100 में से एक आ गया, पर मैथ्स वाले इसलिए जल्दी इसको पिक कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत बाइनोमियल का आइडिया उन लोगों को होता है, ठीक है? पर अदरवाइज अगर पहली गो में करेंगे तो किसी को बाइनोमियल याद नहीं आएगी, मेरे को ये भी पता है, हर कोई वही फॉलो करेगा E1 T1 E2 T2। बोलो, एरर से भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, सही कह रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लोग मैंने सोचा नहीं, ट्राई मारता हूँ, लिख लें E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, Δe बाय E इज इक्वल टू 4 इंटू Δt बाय T, ठीक है? टेम्परेचर कितना गिवन है 300, ये फ्रैक्शनल कितना गिवन है 2/100, Δt की वैल्यू आ जाएगी, Δt से T आ जाएगा। जिंदगी में पहले क्यों नहीं मिला यार, ठीक है, सही कर रहा है यार, गुड यार, अच्छा है, मैं ऐसे ही उलझ गया, मैं अभी मैंने सोचा नहीं, बहुत बढ़िया है, सही है, ऐसे ही करना चाहिए। करें क्लोज, तो एरर लगा लेना, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, मैं भी खाम खाई इतने लंबे तरीके से करके आ रहा हूँ यार, मुझे इतना दुख हो रहा है ना। चलो 12th,
क्वेश्चन है, रेज ऑफ सन आर फोकस्ड ऑन अ पीस ऑफ आइस थ्रू अ लेंस ऑफ डायमीटर 5। डायमीटर है तो रेडियस आ गया, रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर से एरिया आ गया। एज अ रिजल्ट 10 ग्राम आइस मेल्ट इन 10 मिनट। तो एक मिनट में कितनी आइस मेल्ट हो रही है? 1 ग्राम सिर्फ। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया पर मिनट क्या होगी? तो इसके अंदर मास ऑफ आइस मेल्टेड क्या है? 1 ग्राम है एक मिनट में। क्वांटिटी ऑफ हीट यूज क्या है मेल्ट करने के लिए? Q इज इक्वल टू एम एल। लेंस का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया। तो कितनी एनर्जी रिसीव करेगा? 80 कैलोरी पर मिनट तो हमने लिया ही हुआ है, और एरिया से डिवाइड करके इतना आंसर आ जाएगा। पर मिनट निकालना है, कैलोरी पर मिनट पर यूनिट एरिया। तो समझ में आ रहा है लेंस का एरिया क्यों गिवन है? ताकि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। इसका आंसर देखें प्लीज। आया आंसर।
कितने को आया? किसी को नहीं आया, मेरे ही आएगा बस. तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस इट इज ऑब्जर्व दैट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी चेंजेस फ्रॉम 0.26 टू 0.13 माइक्रोमीटर. तो रेशियो ई टू ई1 निकालना है. देखो लैम्डा एम की जब प्रॉब्लम है ना, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. तो यहाँ से लैम्डा एम टी1, लैम्डा टू टी2, यहाँ से टेम्परेचर लैम्डा आपको पता है दोनों के दोनों टेम्परेचर की रेशियो आ गई. पर आपको तो ई की रेशियो निकालनी है, तो कोई बात नहीं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज टू पावर 4, लैम्डा की रेशियो से टेम्परेचर की रेशियो, टेम्परेचर की रेशियो से ई की रेशियो आंसर. तो ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन है. वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन लॉ का कॉम्बिनेशन सबसे फेमस है. वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको टेम्परेचर की रेशियो देगा और स्टीफन कॉन्स्टेंट से या स्टीफन के लॉ से लैम्डा जो टेम्परेचर से आप ई की रेशियो निकालेंगे. ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है. ये आपकी टेम्परेचर ऑफ अ कॉफी इन अ कप विद टाइम इज मोस्ट लाइकली इज गिवन बाय स्टैंडर्ड ग्राफ करवाया था एक्सपोनेंशियल. टेम्परेचर जो है इस तरीके से गिरता नहीं, एक्सपोनेंशियल गिरता. स्टैंडर्ड ग्राफ बुकलेट में मार्क करवाया था, सी ऑप्शन है इसमें. ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?